हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे, तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। ये आभूषण सीता देवी के न हो? हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण है। हे राघव, जैसे घायल की गति घायल जानता है, उसी प्रकार मैं आपके पत्नी वियोग का दुख पूरी तरह समझता हूं। मैं भी अग्नि को साक्षी करके वचन देता हूं कि हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बने या न बने, परंतु आपकी भार्या देवी सीता पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी कोने में, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। आप केवल एक बार मुझे उसका पता बता दें कि वो राक्षस कहां रहता है, मैं सारे वंश सहित उसका विनाश कर दूंगा। उसने छल से सीता का अपहरण करके न केवल मेरा अपमान किया है, वरन रघुकुल के मेरे पूर्वजों की कीर्ति को धक्का पहुंचाया है। आप उसका पता जानते हो तो मुझे एक बार उसका पता बता दो, बाकी का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। हे राघव, उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहां है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम और उसका वंश कैसा है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिल जाएंगी। और ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहां? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे, तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया। हमने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूं, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। ये देखिए, ये आभूषण सीता देवी के न हो? ये सीता के ही आभूषण है। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण, देखो ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया भैया, ये सीता के ही है ना? भैया, न हम जानामी केवरे, न हम जानामी कुंडले, न बुरे तो ही जानामी नित्य पादाभी वंदना। भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनकी कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर
वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूं। ये निश्चय ही वही नुपुर है जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातः काल वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से उसने कई बार मेरे चरण पहुंचे हैं। वो मेरा पसीना सुखाती थी। कभी कभी उससे पंखा करती थी। प्रातःकाल जब मैं पूजा से उठता था तो इसे चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वो मेरी चरण रच लेती थी। और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, सीते मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो चिंता न करना, तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा। सीते,